हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सुशुभन्या शुभम निमोरिया के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज है हमारे यहाँ कन्या भोज अष्टमी, हमारे यहाँ अष्टमी पुजाती है। तो रात को था सोभी का बर्थडे, मतलब आज सुबह, आज है सोभी, अष्टमी के दिन है सोभी का बर्थडे। और रात को 21 तारीख को हम लोगों ने रात को केक वेक काटा उनका, और फिर उसके बाद उनको लगाई थी भूख, तो उन्होंने रात को 12:30 बजे कुछ तल के खाया था, जो भी खाया हो। मैं लेट गई थी, सो गई थी, क्योंकि हम लोग वहाँ गरबा देखने गए थे अभिव्यक्ति, तो वहाँ से लेट हो गए थे। तो जो रात के जो ये थोड़े से बर्तन वर्तन उन्होंने फैलाया था यहाँ पे, वो मैंने सुबह सुबह साफ़ करा, और जो हंडा होता है उसको साफ़ करा, जिसमें हम लोग पानी लेते हैं आटा वाटा गूंदने के लिए, तो वो, और जो जार था पानी का जिसका पानी हम पीते हैं, वो सब साफ़ सूफ करके मैंने सुबह ही, सबसे पहले मैं उठी, पूजा वूजा करी, पूजा करके फिर मतलब वो करा, ये इसकी तैयारी में लग गई, झाड़ू पोछा करा घर का, गेस्ट नेस्ट थोड़ा सा क्लीन किया, और फिर मैं सबसे पहले बनाऊंगी पूजा का सामान, जो कि पूजा में लगता है हमारे अष्टमा अष्टमी पुजाती बीजासन। तो हम फीकी पूड़ी और मीठी पूड़ी और भजिए और थोड़ा सा हलवा, तो इससे माता पुजाती है हमारी। तो हम मैं सबसे पहले पूजा के लिए करूँगी, और साइड में मैंने गैस में चढ़ा दी थी खीर कन्याओं के लिए, तो मेरी ये खीर होती रहेगी तब तक, मैं जब तक ये पूजा का सामान बनाऊँगी। तो मैंने ये वाला आटा गूँद लिया है फीका वाला, जो कि पूड़ियों के लिए, तो ये कन्याओं का आटा भी गूँद गया है, और साथ में मैं इसमें से पूजा का भी ले लूँगी। तो अब मैं ये शक्कर रखती थी थोड़ी सी गला के पानी में, क्योंकि मीठी पूड़ियों के लिए, तो अब मैं बनाऊँगी मीठी पूड़ी, मतलब अभी मैं आटा गूँथ के रखूँगी मीठी पूड़ियों का, और फिर थोड़ा सा आटा लेके इसमें से और रखूँगी भजिए के लिए, क्योंकि मीठे भजिए भी बनते, जिनको हमारे यहाँ ललितपुर में तो पुए बोलते हैं, अब आपके यहाँ भजिए बोलते हैं, मीठे भजिए। तो ये वाला आटा भी मैं गूँथ के रखूँगी। और फिर आ गए थे ये बीच में सोभी के, मेरे को चाय बनानी है, तो इनको चाय चढ़ाऊँगी मैं ये गैस बंद करके। और आरू थी दादी के पास उनकी, क्योंकि मैं, मम्मी ने भी छुट्टी ले रखी थी अष्टमी की, और शायद क्या पता उनको छुट्टी मिली भी हो वहाँ से। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर अंदिर, पूजा होगी, कन्या भोज होगा, तो आप लोगों को दिखाऊंगी आगे का। तो अभी सबसे पहले मैं करूंगी ये काम, और फिर जाऊंगी कन्याओं को बुलाने नीचे, कन्याओं को। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा था ये मीठा आटा गूंदने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट था ये, तो मैंने गैस कर दिया था बंद। अभी जब ये अच्छे से गूंद जाएगा, क्योंकि मेरे को पूड़ियाँ बना, इनकी इनकी छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनानी है। ये हो गया मेरा दोनों का आटा, अब मैं इनको रखूँगी दोनों को इसी में, और लगाऊँगी भजिए का। किसी किसी के यहाँ नवमी पुजाती है, नवमी, और हमारे यहाँ अष्टमी पुजाती है। मेरे मायके में भी अष्टमी पुजाती है, और मेरे मायके में भी हमारी जो कुल देवी हैं वो बीजासन है, और यहाँ ससुराल में भी बीजासन। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे मायके में भी पाटा है, सब लोग बीजासन पहनते हैं, मेरी मम्मी अम्मी, और यहाँ पे भी आई मैं, तो यहाँ पे भी हमारी कुल देवी बीजासन है, और हम लोग पाटा डालते हैं गले में, मतलब बीजासन पहनते हैं। तो अब मैं यहाँ पे गैस जलाऊँगी और फटाफट पूड़ियाँ निकालूँगी पूजा की, और भजिए निकालूंगी, क्योंकि पापा गए थे काम पे, और पापा आएंगे जब तक मम्मी पूजा वूजा की तैयारी कर लेंगी, मतलब पाटा वाटा लगा लेंगी माता जी को, और हवन भी होता है, तो हम सब लोग साथ में बैठ के हवन भी करते हैं। आरू को मम्मी नहला रही थी, नहला धुला के उसको भी तैयार कर रही थी, और मैं ये सब करके जाऊँगी फिर नीचे। इन कुत्तों को पता नहीं क्या हो गया है कि वो भौंक रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर रहूँगी चुप, इनको भौंकने दूँगी, पता नहीं क्या हो गया है।
यहाँ पे मेरा पूजा का सामान सारा बन चुका था और खीर भी मैंने दूध डाल दिया था, मेरी खीर भी हो गई थी। और यहाँ पे सो भी बहुत देर तक जागे थे रात को, तो वो अभी सो के उठे थे, तो ये रजाई वजाई रखूँगी मैं थोड़ा सा बाद में। और यहाँ पे मैं अपनी आवाज़ इसलिए काट देती हूँ क्योंकि मेरी पंखे की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और मैं भूल जाती हूँ और ब्लॉग में बात करने लगती हूँ। और ये रहा मेरा पूजा का सामान, हलवा, मीठे भजिए, मीठी पूड़ी और फीकी पूड़ी, ये लगती है हमारे यहाँ माताओं जी को। और अब मैं कन्याओं को नीचे जाऊंगी बुलाने, कन्याओं को बुला के फिर मैं करूंगी यहाँ का काम। तो मेरी खीर भी बन चुकी थी यहाँ पे और पूड़ियाँ भी निकल गई थी मेरी। अब मैं बनाऊंगी सब्ज़ी, और सब्ज़ी बना के मतलब सब्ज़ी के जो आलू काटूंगी उन्हीं आलू के साथ मैं काटूंगी अपने फरियाल के आलू, क्योंकि हम लोगों को भी भूख लग रही थी बहुत ज़ोर से, हम लोगों को भी फरियाल करना था। और 12:30 एक बज भी गई थी ये करते करते। तो यहाँ पे मैं पहले सब्ज़ी बनाऊंगी, फिर सब्ज़ी खाली करके फिर फरियाल बनाऊंगी, तो मसाला तैयार करके बनाऊंगी सब्ज़ी। और कन्याओं को मैं नीचे बुलाने गई ना, तो बोल रही थी कि मतलब जिनके यहाँ मैं बुलाने गई थी तो बोल रही थी वो वहाँ खा के आई, वहाँ खा के। तो मेरे को ये टेंशन हो रही थी कि इतना सारा खाना बना लिया है मैंने, अब कौन खाएगा, मतलब वो लोग खा के आएंगी। और तभी मैं ना मतलब मेरे को लगा कि सबके यहाँ शाम को होती है, यहाँ तक यहाँ पे ज़्यादातर शाम को होती है कन्याएं, तो मैं जल्दी से बुलाने गई थी उन लोगों को कि सबसे पहले मेरी यहाँ पे कन्याएं खाना खा लें। लेकिन उन लोगों ने बोला वहाँ खाने गई हैं, भेजती हूँ। तो मेरे को ये लग रहा था इतना सारा खाना, हम लोगों के व्रत हैं, मम्मी पापा खोलेंगे शाम को सिर्फ, तो खाना नहीं बच जाए। खीर भी बना ली थी बहुत सारी, और यहाँ पे मैं जैसे ही सुन के आई थी सब्ज़ी, वैसे ही बच्चे कम खाते हैं तो मैं सब्ज़ी कम ही बनाऊँगी। पूड़ियाँ निकल गई थी ज़्यादा और खीर भी बन गई थी, तो मैं सब्ज़ी का मसाला वसाला सब फटाफट कढ़ाई चढ़ा ली थी, और मसाला जैसे ही तैयार हुआ वैसे ही मैंने कढ़ाई में डाल दिया था क्योंकि इससे जल्दी हो जाता है। और ये मेरे जो खाने जो आटे की परात थी वो रखी थी साइड में, ये मैं सोच रही थी सारा काम होने के बाद कंप्लीट करूँगी बर्तन साफ। यहाँ पे बर्तन भी जुड़ते जा रहे थे मेरे, मेरी सब्जी वब्जी बनेगी जब तक मैं काटूँगी आलू। आलू काटने के बाद और ये जो यहाँ पे मतलब कुछ भी ये आ रहा है ना, त्यौहार आ रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब जम ही नहीं रहा मेरे को। हर टाइम यही लगता है कि कब अपने घर जाऊँ, कब मेरा घर बन जाए, कब सब सिस्टोमेटिक चीज़ें हो जाएं सब कुछ, क्योंकि बहुत छोड़ मतलब यहाँ पे भी बहुत छोटी सी जगह, यहाँ से यहाँ चीज़ें करनी पड़ती हैं बार बार। और नीचे भी ऐसा, नीचे भी कोई सामान नहीं रख सकते, जैसे कोई भी चीज़ गरम खीर हो या कुछ भी हो तो अपन बन गई हो तो नीचे रख दो, क्योंकि बच्ची छोटी है वो आके सीधा हाथ लगाती है चीज़ों को। तो मतलब ऐसा लगता है यार कि कब जाएं, कब घर बन जाए मेरा, कब जाऊं घर पे और सब सिस्टोमेटिक सब चीज़ें हो जाएं। करने में काम करने में भी तभी अच्छा लगता है जब हाँ सब चीज़ें सब वो। ये रहे मेरे फरियाल के आलू, ये बर्तन रहे जो कि मैं अभी साफ करूंगी, और यहाँ पे मैंने बर्तन साफ कर लिए थे और मेरी सब्जी बन गई थी। फरियाल बनाना है आलू काट के, और अब मैं बनाऊंगी फरियाल। तो यहाँ पे मैंने सब्जी कर दी थी खाली, सब्जी खाली करके कढ़ाई साफ करके और फिर मैंने चढ़ा दिया था फरियाल, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। ये बन गया मेरा फरियाल। और जैसा कि मम्मी साबूदाना मम्मी को बंद है तो मम्मी को निकाल दिए थे आलू। आज मैंने किस के इसलिए नहीं बनाए हैं आलू क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़ोर से और थकावट भी बहुत हो गई थी, पानी की बॉटलें भी सारी खाली पड़ी थी, जो कि कन्याओं को लगेगा पानी ठंडा मांगती है वो लोग। यहाँ पे मैंने कर ली है तैयारी क्योंकि एक कन्या जी हमारी आ गई और मेरी कन्या यहाँ पे सो गई है नहा धो के। तो यहाँ पे आ गई थी हमारी सारी कन्याएं, मैंने पैर धुला के इनको खाने की कर दी थी तैयारी। तो मतलब अब मेरे को टेंशन नहीं हो रही थी क्योंकि कन्याएं बहुत सारी आ गई थी हमारे यहाँ, और क्या बोलते
मेरे खाने का जो लग रहा था मेरे को इतनी सारी पूड़ी खीर सब अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि हम लोग नौ ही कन्या करते हैं, लेकिन हाँ आ गई थी अच्छी कन्याएं आ गई थी। तो हम लोग कन्या वन्या ये सब इनको खिला के फिर करेंगे पूजा की तैयारी। आप लोग बताना कि आपके यहाँ भी यही सब मतलब ऐसे ही अष्टमी पूजा आती है। मेरे को मेरे जो मायके में पूजा होती है ऐसी नहीं होती है पूजा, मेरे को यहाँ की पूजा बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे मायके में हवन ववन नहीं होता है, हाँ कन्या भोज तो होता है, लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ पे ससुराल में पूजा होती है बहुत अच्छी पूजा होती है। मेरे को यहाँ की पूजा बहुत अच्छी लगती है, मैं अपने घर पे जाके बोलती भी हूँ। यहाँ पे हमारा कन्या अन्या को सब कुछ खाना खिलाने के बाद फरियल कर लिया था कि बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, और मैंने सारी तपेली अपीली जिसमें खीर सब्जी बनाई थी वो सब खाली कर लिए, छोटे तपीलों में रख दी। अब मैं कर दूँगी ये सारे बर्तन साफ। बर्तन साफ करने के बाद हम लोग लग जाएंगे अपनी पूजा में। तो यहाँ पे मम्मी और सो भी करने लगे हैं पूजा की तैयारी, और ये रहा हमारा हवन कुंड जिसमें पूजा होएगा। अब सो भी इसको मतलब जो भी होता है टीका वीका लगता है वो कर रहे हैं, और साथ में ये आरू करवा रही है, और मम्मी कर रही हैं प्रसाद की कि मतलब जो हमारे यहाँ पाटा लगता है, पाटा में जो देवियाँ बिठाई जाती हैं उन देवियों को मतलब उन भगवानों को ये प्रसाद लगाएंगी। पापा मम्मी दोनों लगाएंगे, सो भी करेंगे ये और साथ में आरू भी करवाएगी। तो हाँ मैं ये बोल रही थी यहाँ का जो पूजा वूजा होती है, यहाँ की किसी भी चीज़ की पूजा होती है जैसे हरताली तीज ये सब की पूजा होती है, बहुत अच्छे से पूजा होती है यहाँ पे। पूजा तो हरताली तीज की तरह मेरे यहाँ पे भी होती है, रात्रि पूरी रात्रि जागरण होता है, और यहाँ पे जैसा अभी हुआ था वैसा नहीं होता है। अभी हम लोग क्या है ना, वो घर बन रहा था यहाँ पे थे, वहाँ पे जाना पड़ रहा था बार बार, लेकिन हाँ अगले साल की जो हमारी राखी आएगी, सॉरी हरताली तीज आएगी, वो बहुत अच्छी आएगी। और क्या बोलते आप लोगों को बताऊंगी मैं उस बार भी, और ये पिछले बार भी शायद मैंने ये ब्लॉग शेयर किया था हमारे कन्या भोज करवाई थी। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे हवन स्टार्ट। तो ये हो गया है, और आरू का चिट गया था हाथ, क्योंकि ये देखो क्या कर रही थी, हम लोगों को देख रही थी ना तो ये डाल रही थी। तो हम लोग करते हैं ऐसे हवन। और मैंने साड़ी इसलिए नहीं पहनी, मैं पहनती हूँ साड़ी क्योंकि मेरे को ना मैं उठ गई थी सुबह, नहा लिया था, सूट पहन लिया था, फिर मेरे को झाड़ू पोछा करना था, तो मैंने कहा यार क्या साड़ी पहनो, और फिर इतना सब कुछ करो अकेले करो तो फिर यार ऐसा लगता है यार कुर्ता ही पहने रहो, क्या साड़ी पहनो, क्योंकि पानी वानी बर्तन साफ़ करो तो पानी पूरा आगे से गीले हो जाते हूँ, और साड़ी से नहीं बनता मेरे से अकेले मतलब साड़ी पे नहीं बनता काम। तो मैंने ये कुर्ती पहन के रखी थी, और जब मैंने सोचा जब शाम को हम लोग मंदिर जाएंगे तब साड़ी पहनूंगी। तो यहाँ पे बज चुकी थी 6, और 6 बजे मतलब पूजा वूजा करते 5:30 हो गई थी। आधा घंटा हम लोगों ने थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई कर दी, झाड़ू वाड़ू तो लगा नहीं सकते ना, लेकिन जो फैला था पूजा वूजा में वो कपड़े से मम्मी ने सब कर दिया था साफ। और हम लोग जा रहे हैं बीजासन, क्योंकि अष्टमी के दिन हम सब जाते हैं। 6 बज चुकी थी और हम लोगों का घर से प्लान था, और ये रही मैं जो कि मैंने साड़ी पहन ली थी मंदिर जाने के लिए। और हमारा प्लान था कि बीजासन जाने के बाद अंबाजी जाएंगे और मतलब दो तीन मंदिर लेते हुए जाएंगे, लेकिन जब पहुँचे आपको दिखाते हैं घर से। और ये रही आरू जो कि दादा दादी के साथ चिपकी रहती है, ये देखो मतलब ऐसा लग रहा था यहाँ जाने के बाद कि भाई दर्शन कैसे करेंगे, इतनी भीड़ हो रही थी, इतनी भीड़ हद से ज़्यादा। और जब हम लोग गाड़ी से जा रहे थे तो ठंड लग रही थी मेरे को। ये रही आरू, और उनके आरू के दादा दादी आरू से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार मतलब ऐसा लगता है यार कि इस इनके प्यार को क्या बोलूं, दादा दादी इतना प्यार करते हैं इससे इतना ज़्यादा कि इतना सोभी से भी नहीं करते होंगे। ये भी दोनों के पास चिपकी रहती है, ऐसा लगता है जब ये घर पे भी रहती है तो ऐसा लगता है कि मतलब इन लोगों ने कभी बच्चे देखे ही नहीं, ऐसे करते हैं इसके साथ। तो इसको भी खाना खाता दादा ने उसके कंधे पे
और हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे और पापा रह गए थे पीछे। और यहाँ पे ऐसी खतरनाक भीड़ हो रही थी कि मुझे पता है मैंने फ़ोन अपना छिपा लिया था, तो सीधा दर्शन करने के बाद निकाला क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। बार बार यहाँ पे अनाउंस कर रहे थे अपने सामान की, अच्छे से देख देख करें, खुद ही करें, बच्चों को हाथ पकड़ें। और आरू थी मेरे पास, मतलब आरू रो रही थी तो पापा ने मुझे दे दिया था। तो मैं लाइन में जब लगी थी तो मतलब इतनी दिक्कत हुई इसको लेके ऊपर दर्शन करने में, तो मैंने फ़ोन अपना छिपा लिया था। अब निकाला है फोन, हम लोग निकल गए, पापा आ गए थे, हम लोग निकल गए। अब जाएंगे घर, और घर लेते हुए आए थे हम लोग सोभी का केक। और जैसे ही मैं आई तो मैंने फ्रिज में रखा केक, तो मेरे को दिख गया दूध, और दूध जैसे दिखा मैंने फटाफट रखा। और रास्ते में आरू बहुत रोती आ रही थी तो मैंने उसको दूध पिलाया, और यहाँ पे आ गई थी दीदी। अरे उसमें वो नहीं है ना, धागा नहीं है उसमें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सोमा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे लड्डू, हैप्पी बर्थडे लड्डू, हैप्पी बर्थडे लड्डू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे लड्डू, हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे बूबू। मेरा पास है, केक कटवाने के बाद सोभी बोलते मम्मी से, पापा से, मेरे से कि चलो सराफा चलते हैं, कुछ खा सेक वेक पी के आएंगे। तो मम्मी पापा थक गए थे क्योंकि उनकी एज हो चुकी है बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी इतनी वो नहीं है, कि फिर भी वो चले गए थे मंदिर, तो वो दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो मम्मी ने मना कर दिया, तुम दोनों चले जाओ। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर, और ये राजवाड़ा में, और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। ये देखो ये चिपकी है भैया से, ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, और मेरे चैनल को जिसने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। कल हम लोग जाएंगे खाना खाने, क्योंकि हमारा उपास कल खुल जाएगा, तो वो भी ब्लॉग बनाऊँगी, वो भी बहुत जल्दी डाल दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।